दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि महानता क्या है? क्या यह सिर्फ एक सपना है या कुछ ऐसा है जिसे हम हासिल कर सकते हैं? क्या इसे पाने का कोई रास्ता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बहुत सटीक और सच्ची बात बताने जा रहा हूं। बिना कष्ट के महानता नहीं मिलती। दोस्तों, महानता कोई ऐसा अद्भुत जादू नहीं है जो हमें बिना मेहनत के मिल जाए। यह सिर्फ किसी के लिए सौभाग्य या किस्मत का मामला नहीं है। जब हम किसी महान व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे वह कोई वैज्ञानिक हो, नेता हो, खिलाड़ी हो या कलाकार हो, उनकी सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष और कष्ट छिपे होते हैं। उन्होंने वे सारी मुश्किलें झेली हैं जो हम में से बहुत से लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों, सच यह है कि जो भी महान बनता है उसने कष्टों को सहा है। सोचिए, क्या हुआ अगर थॉमस एडिसन ने अपने आविष्कारों को छोड़ दिया होता जब उसे असफलता का सामना करना पड़ा था? क्या हुआ अगर माइकल जॉर्डन ने हार के बाद कोर्ट छोड़ दिया होता? क्या हुआ अगर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने का इरादा छोड़ दिया होता? दोस्तों, आपका रास्ता भी कठिन हो सकता है। हो सकता है आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वह दूर दिखे, कठिनाइयां आए, लोग आपको संदेह की नजरों से देखें, लेकिन यही वो पल होते हैं जब आपकी असली परीक्षा होती है। दोस्तों, कष्ट नहीं है तो सफलता भी नहीं है। कभी भी इस बात को भूलिए मत कि जो आपने खोया है या जो कठिनाइयां आपने झेली है वही आपको मजबूत बनाती है, वही आपको वह रास्ता दिखाती है जिस पर आगे बढ़ते हुए आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। कोई भी महान व्यक्ति कभी भी सिर्फ खुशियों के रास्ते पर नहीं चला। वह हर मुश्किल घड़ी को अपनी ताकत बना लेता है और हर कष्ट को अपनी सफलता के कदमों में बदल देता है। आपके सामने भी ऐसी ही चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन याद रखें, जो कष्ट आपको झेलना पड़ रहा है वही कल आपकी महानता के रूप में सामने आएंगे। इसलिए अगर आप अपने सपनों को सच बदलना चाहते हैं तो यह रास्ता आसान नहीं होगा, यह एक लंबा सफर होगा, लेकिन वह सफर ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने कष्टों का सामना करेंगे? क्योंकि बिना कष्ट के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। दोस्तों, समझिए, कष्ट आपका साथी है, सफलता की ओर आपका मार्गदर्शक, आपका संघर्ष ही आपका स्वर्णिम भविष्य बनाएगा। धन्यवाद।